अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप पापा बनने वाले हैं, रखू? हमारा बच्चा। पापा, मुझे पता है आप माँ को मिस कर रहे हो ना, पर माँ तो आपके सामने ही है। काश मैं आपको बता सकती कि ये जानकी माँ ही है, आपकी जानकी, और आप फिर से एक बार पापा बनने वाले हो। आप पापा बनने वाले हैं, रघु? हमारा बच्चा। जानकी, ये लड्डू गोपाल की मूर्ति तुमने ही कमरे में रखी थी। तुम्हारा भी सपना था कि हमारा एक प्यारा सा बेटा। वृंदा को उसका भाई मिल जाएगा और हमारी फैमिली पूरी हो जाए। मैं आपकी जानकी नहीं हूं, मैं सच में जया हूं, जया माथुर। ये कैसा खेल खेल रहे हो भगवान? पहले मेरी जानकी को मुझसे छीन लिया और अब जानकी किसी दिखने वाली जया को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया और उसे वो सब दे रहे हो जो मेरा और जानकी का सपना था। माफ करना भगवान, लेकिन मुझे उसकी खुशी देखकर बहुत जलन हो रही है। हमारे सपनों का तो जैसे मजाक ही बन गया। पापा, आप रो मत। नहीं बृंदा बेटा, मैं नहीं रो रहा। पापा, मुझे पता है आपको मम्मा की याद आ रही है। मुझे भी मम्मा की याद आ रही है। वो जया आंटी को देख के मैं मम्मा को बहुत मिस करती हूँ। पापा, बुरा मत मानना, भाई नहीं है, बहन तो है ना, तुलसी। तुलसी भी तो आपकी बेटी की तरह है, तो वो हो ही ना मेरी बहन। वृंदा, तुलसी मेरी बेटी नहीं है। मैं उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन अब नहीं। उसने हमेशा मेरा दिल दुखाया, उससे झूठ बोला है, और आज भी वो झूठ बोलकर जया जी को जानकी बनाकर इस घर में लेकर आई है। और आज के बाद तुलसी को मेरी बेटी मत बोलना। क्या तेरे पास सारे सबूत थे, फिर भी तूने रघु सर को सब सच नहीं बताया? हाँ बंटी भैया, अरे माँ का मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और छोटे से ताने भी पलट गई बात से। वो चूहा बिल्ली है, उन पे विश्वास कभी नहीं किया जाता। उन पे विश्वास करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। मुझे पता है बंटी भैया कि छोटे सेठ और छोटे से ठाने विश्वास के लायक ही नहीं है। फिर भी, लेकिन वो भी चाहता है कि माला इस घर से चली जाए, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। माला ने उनको डराया धमकाया होगा।
सकती हैं। क्या बात है, अपना प्लान ना फेल हो गया है, ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है तू? कुछ खो गया है तो बहुत कुछ मिल भी रहा है दीदी। पापा सेठ ने और दुर्गा माँ ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, बस वही सोच के मैं खुश हो रही थी। हैप्पी न्यूज क्या? व्हाट? टेल फास्ट। जानकी मां मां बनने वाली है, मतलब मेरा छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है इस दुनिया में। क्या बात है, आज तक हमारी तुलसी बड़ी सयानी थी, अब हमारी तुलसी बड़ी बहन हो गई है, बड़ी दीदी। अरे वाह तुलसी, बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुलसी हमारी बड़ी बहन हो गई, तुलसी तू दीदी बन गई, तुलसी हमारी दीदी बन गई, तुलसी हमारी बड़ी बहन। मैं को फोड़ दूंगा रे। तुलसी तू दीदी बन गई, तुलसी तू दीदी। इतनी अच्छी खबर है, पार्टी तो बनती है। अरे हाँ हाँ करेंगे दीदी, करेंगे तो करो, लेकिन अभी नहीं, सच सामने लाने के बाद। कौन सा? देखो जानकी माँ का जाना तो टल गया। हाँ। लेकिन माला से तो अभी भी खतरा है ना, इसलिए हमें माँ के साथ साथ आने वाले बेबी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम जानकी माँ की याददाश्त वापस लाएंगे। हाँ तो अब हमारा मिशन है, मिशन जानकी माँ की याददाश्त वापसी। बुलंद जय माता दी, जय माता दी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हे माता रानी, आज आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है मुझे, एक बार फिर से मैं माँ बनने वाली हूँ। इतनी बड़ी खुशी आने वाली है मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना घबरा रहा है, एक घबराहट सी है मुझे। मैं इस खुशी को पूरी तरीके से महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूं, क्यों है ऐसा? एक बात है जो मुझे खाई जा रही है, वेदांत मेरा बच्चा है पर मुझे उसके जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला हो मुझे। और उत्कर्ष, वो तो मेरा पति है, फिर भी उसके साथ कोई कनेक्शन फील नहीं होता मुझे, कोई प्यार महसूस नहीं कर पाती मैं, जैसा लगता है जैसे अजनबी है। नहीं माता रानी, अगर मुझे पिछला सब कुछ याद नहीं आया तो ये रिश्ता कैसे निभा पाऊंगी मैं? मेरी मदद करो माँ। पप्पा सेठ, अगर आपकी माँ को आप ही याद ना हो तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जल्दी से ऐसा करो कि जानकी माँ को सब कुछ याद आ जाए, मैं याद आ जाऊं, पापा याद आ जाए। प्लीज पप्पा सेठ, मेरी मदद करो ना। देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।